हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप मजे में होंगे और एमआर मैथमेटिक्स की सहायता से, इस चैनल की सहायता से अपनी मैथ्स की पढ़ाई बड़े बढ़िया ढंग से कर रहे होंगे। चलिए आज करते हैं एक्सरसाइज 8.4 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 5। 4 क्वेश्चन तक हमने कर लिया था इसे पहले वाले वीडियो में, आज 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 5th क्वेश्चन में टोटल 10 पार्ट्स हैं, उन सभी को हम कोशिश करेंगे समझाने की और इनमें से एक क्वेश्चन लगभग आपको एग्जाम में मिलता ही मिलता है। ध्यान से देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। वी हैव टू प्रूव इट। एलएचएस आरएचएस, एलएचएस को आरएचएस के इक्वल हमने प्रूव करना है। आप चाहें तो इसको इसके इक्वल प्रूव कीजिए या इसको इसके इक्वल प्रूव कीजिए, दोनों में से LHS को RHS के दीजिए या RHS को LHS के इक्वल प्रूव कर दीजिए, आपका आंसर सही माना जाएगा। चलिए हम LHS से करते हैं सॉल्यूशन। बहुत आसान क्वेश्चन है, जो आपने अब तक फॉर्मूले तैयार किए हैं 8th चैप्टर में वही सारे फॉर्मूले हैं, उन्हीं के में से जो सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। इसके इतर कोई भी अलग फॉर्मूला आपको नहीं चाहिएगा, बहुत आसान है, घबराने की आवश्यकता नहीं। देखिए जरा, LHS लिख लेंगे, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। तो ध्यान रहे, जहां पर हमें कॉट कोसेक या सेक, ठीक है, सेक कोसेक या कॉट या टेन, इनमें से चार रेशियोज में से कुछ भी आए तो कोशिश करो साइन और कोस में ब्रेक कर लो उनको। यदि कोई डायरेक्ट फार्मूला बन रहा है तो फार्मूला लगाएंगे, अगर फार्मूला नहीं बन रहा है और हमें टेन कॉट कोसिक सेक ये नजर आते हैं तो उनको साइन और कोस में जो जैसे टूट सकते हैं ब्रेक करके फर्दर प्रोसीड कर दीजिए, आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए जरा, कोसिक थीटा होता है 1/ साइन थीटा, कॉट थीटा होता है साइन अपॉन कोस अपॉन साइन थीटा कीजिए, इक्वल टू यहाँ पर लिख दिया 1/ साइन थीटा, माइनस कॉट को होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होल्स स्केयर, ठीक है। चाहो तो आप रीजन दे सकते हो यहाँ पर, बिकॉज कोस थीटा इक्वल टू ये, कॉट थीटा इक्वल टू ये। नेक्स्ट, साइन थीटा इज एलसीएम हियर, साइन थीटा बन जा 1 1 इंटू 1 1, माइनस साइन थीटा बन जा 1 और यहाँ पर आएगा कोस थीटा, यानी कि साइन थीटा डिवाइड किया 1 बार गया, 1 से मल्टीप्लाई यहाँ पर साइन थीटा डिवाइड किया, साइन थीटा को 1 गया, 1 से कॉस थीटा मल्टीप्लाई आएगा होल स्क्वायर, क्लियर। यानी 1 माइनस कॉस थीटा इसका भी स्क्वायर है और साइन थीटा का भी स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, 1 माइनस साइन सॉरी कॉस थीटा इसका स्क्वायर अपॉन साइन थीटा इसका, यानी साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा लिखो या साइन थीटा सारे का स्क्वायर लिखो, एक ही बात होती है। अब देखिए, हमें लेकर के आना ये, तो 1 माइनस कॉस थीटा तो ऊपर है, यहाँ पर भी आएगा स्केयर है, केवल यहाँ पर स्केयर का तो इलाज कर दिया जाएगा। अब नीचे भी 1 प्लस कॉस थीटा लेकर आना है, हमारे पास साइन स्केयर थीटा है, हमें ज्ञात है कि साइन स्केयर थीटा की एक हमारे पास फार्मूले के आधार पर कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इसलिए साइन स्केयर थीटा क्या आएगा, 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा। फिर से देख लीजिए, साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी हमारे पास है, इस आइडेंटिटी में से साइन स्केयर की वैल्यू निकालनी है, तो ये 1 एक कॉस उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा कॉस स्केयर थीटा। मीन्स यदि हम साइन स्केयर के स्थान पर 1 माइनस कॉस स्केयर लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा होल स्केयर अपॉन, इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा, रीजन दे देंगे बिकॉज साइन स्केयर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा, ये हम आइडेंटिटी यहां पर दे देंगे, ठीक है। अब देखिए, a माइनस बी होल स्केयर है तो क्या लिखा जाएगा, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स का होल एक्स स्केयर क्या होता है, x इंटू एक्स, ऐसे ही ये सारा x मान लीजिए ब्रैकेट वाला, तो 1 माइनस कोस थीटा लिखेंगे, 1 माइनस कोस इंटू 1 माइनस कोस यहां पर लिखेंगे आगे। देखिए जरा,
इक्वल टू कोसाइन रहेगा वन माइनस कॉस थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा। स्केयर को ऐसे लिख सकते हैं हम, नीचे है वन माइनस कॉस स्केयर, वन को वन का स्केयर शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसको ब्रेक कर दिया हमने, वन माइनस ए की जगह वन है, बी की जगह कॉस है, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर यानी कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस, दैट इज वन माइनस कॉस थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा लिख दिया हमने, क्लियर। अब देखिए वन माइनस कॉस थीटा ऊपर है, नीचे वन माइनस कॉस थीटा है, दोनों कैंसिल्ड, क्लियर। क्या बच गया, वन माइनस कॉस थीटा ऊपर है, नीचे वन प्लस कॉस थीटा, ये किसके इक्वल आया, आर एच एस के। हेंस प्रूव्ड, क्लियर। देखिए इसे, यस सेकंड पार्ट, कॉस ए अपॉन वन प्लस साइन ए प्लस वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू करना पड़ो इसको टू सेक ए, टू इंटू सेक ए। सोल्यूशन एल एच एस लिखेंगे, ये सब कॉस ए अपॉन वन प्लस साइन ए प्लस वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, दिस इंटू दिस, ऑलरेडी साइन कॉस में एलसीएम लेना पड़ेगा, कॉस ए इंटू वन प्लस साइन ए, ये एलसीएम आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए इस वन प्लस साइन ए से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे, वन प्लस साइन ए कट के क्या बचेगा, कॉस ए, इस कॉस ए की इस कॉस ए से मल्टीप्लाई करें, कॉस स्केयर ए प्लस इस कॉस ए से डिवाइड करेंगे, कॉस ए कट जाएगा, वन प्लस साइन ए बचेगा, इस वन प्लस साइन ए की इस वन प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वन प्लस साइन ए इसका स्केयर होल स्केयर हो जाएगा, इक्वल टू ओपन कर देंगे, यहां से कॉस स्केयर ए प्लस समथिंग ये है हमारे पास, क्या आएगा देखिए, कॉस स्केयर ए प्लस ए प्लस बी होल स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी, दैट इज यहां से आएगा हमारा, ये और कोई भी तरीका है, चलो इसी से निकाल लेते हैं, वन प्लस साइन स्केयर ए प्लस टू साइन ए, यही आसान तरीका रहेगा, अपॉन वन स्केयर ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी, टू इंटू वन इंटू साइन, दैट इज टू साइन ए, अपॉन इसको एच डी छोड़ दीजिए, कॉस ए इंटू वन प्लस साइन ए। अब देखिए कॉस स्केयर ए साइन स्केयर दोनों को गेट टुगेदर इकट्ठा लिख लेंगे, कॉस स्केयर ए प्लस साइन स्केयर ए इकट्ठा कर दिया, प्लस में वन है, प्लस में है टू साइन ए, सारे के अपॉन है कॉस ए इंटू वन प्लस साइन ए। आगे करते हैं, इधर देखिए इक्वल टू कॉस स्केयर ए प्लस साइन स्केयर क्या होता है, वन, राइट डाउन वन, प्लस वन प्लस टू साइन ए, वन प्लस टू साइन ए अपॉन दिस वन कॉस ए इंटू वन प्लस साइन ए, यहाँ पर लिख देंगे, बिकॉज ये वन पुट किया ना हमने, इसको शो कर देंगे, इम्पोर्टेंट है शो करना, अगर नहीं करेंगे तो मार्क्स कट सकते हैं, अगर कर देंगे तो अच्छी बात है, इसलिए इसको अपने लिए जरूरी समझें कि लिखना जरूरी है, बिकॉज कॉस स्केयर ए प्लस साइन स्केयर ए इक्वल टू वन, ये शो कर दीजिए यहाँ पर, ब्रैकेट में रीजन दे दीजिए, इक्वल टू वन प्लस वन ऐड हो जाएंगे टू, प्लस ये क्या है टू साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू वन प्लस साइन ए, समझ में आने लग गया कुछ कुछ, तो टू और टू साइन ए दोनों में टू कॉमन आ जाएगा, यहाँ से वन बचेगा, यहाँ से प्लस का साइन, टू बाहर आया, क्या बचा साइन ए, कॉस ए इंटू वन प्लस साइन ए, कुछ कुछ समझ में आने लग गया होगा आपको क्या होने वाला है, देखिए टू इंटू वन प्लस साइन ए ब्रैकेट में है ऊपर, कॉस ए इंटू वन प्लस साइन ए ब्रैकेट में है नीचे, ये दोनों कट जाएंगे आपस में, क्या बचेगा टू अपॉन कॉस ए, इसको लिख सकते हैं टू इंटू वन अपॉन कॉस ए, ठीक है। तो टू इंटू ऊपर क्या पूछा है, टू इंटू सेक ए लेकर आना, तो वन अपॉन कॉस ए क्या लिख देंगे, वन अपॉन कॉस सेक होता है,
2 into sec A. It is the RHS equal to RHS square DG. Henceforth, clear? देख इधर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट इटसेल्फ. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट. LHS इक्वल टू RHS, tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा को इसके इक्वल प्रूव करना हमें. देख इधर 1 प्लस sec थीटा इनटू cos थीटा के बराबर लेकर आना है. 1 प्लस sec थीटा इनटू cos इसके बराबर लेकर आना. सॉल्यूशन, LHS LHS हो गया हमारा. अब इसमें साइन और कोस में ब्रेक करना पड़ेगा, और कोई तरीका तो है नहीं यहाँ पर, कोई फॉर्मूला डायरेक्ट तो है नहीं, कर लीजिए ब्रेक. इक्वल टू टेन थीटा लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन वन माइनस यहाँ से आएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस यहाँ से cot थीटा को लिखेंगे cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन वन माइनस tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन यहाँ से sin LCM. ठीक है, तो साइन बन जा साइन आता है ना आपको, ये माइनस कॉस थीटा ये हो गया प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एलसीएम. यहाँ पर कॉस बन जा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, उलट देंगे सभी को इनको. देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, नीचे ये आ जाएगा साइन माइनस कॉस. क्लियर, प्लस का साइन इनको वैसे कॉस थीटा बटे साइन थीटा इनटू कॉस ऊपर चला जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा. क्लियर, अब देखिए जरा साइन इनटू साइन साइन स्क्वायर थीटा यहाँ लिखते हैं साइन स्केयर थीटा अपॉन कॉस थीटा इनटू ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस इनटू कॉस कॉस स्केयर थीटा अपॉन साइन थीटा इनटू ये क्लियर cos theta into sin minus cos sin theta into this minus this. इस में से LCM लेंगे. देखिए जरा LCM कैसे आएगा इसका, sin into cos into sin theta minus cos theta ले लीजिए या cos minus sin ले लीजिए यहाँ पर, क्योंकि इनमें दोनों में केवल sin का अंतर है प्लस माइनस का, बाकी कोई अंतर नहीं है. इन दोनों में से एक बार लिख दिए कोई सा भी, ये लिख दो या ये लिख दो, और ये cos थीटा और ये sin थीटा अलग से ले ली दोनों. अब इसे जब डिवाइड करेंगे तो cos थीटा से cos थीटा कटेगा, sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा कट गया, ये सारा कट गया, क्या बच गया sin थीटा ओनली. इस sin की से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा sin क्यूब थीटा प्लस यहाँ से sin कटेगा, इससे कटेगा माइनस टाइम्स जाएगा कॉस बचेगा, कॉस की से मल्टीप्लाई माइनस जो बताए उस प्लस से माइनस की साइन करेंगे मल्टीप्लाई माइनस कॉस क्यूब थीटा. क्लियर, अब इसको ओपन कर दीजिए, घबराने की जरूरत नहीं, यहाँ पर लगभग क्वेश्चन आपका सिंप्लीफाई हो ही चुका है. ये लगा लीजिए, ये लेकर के आना है और ये आ ही गया है. ए क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी, उस फॉर्मूले के तहत देखिए जरा ए स्केयर साइन थीटा ए है तो साइन स्केयर थीटा प्लस बी स्केयर दैट इज ये कॉस स्केयर थीटा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस इनटू
एक सेकंड यहाँ से लिखेंगे थोड़ा नज़दीक ताकि लंबी लाइन पूरी हो जाएगी। यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं आपका, कहाँ पर लिखूँ, यहीं लिखते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला है। बिकॉज ये फॉर्मूला हमने यहाँ करके लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पर पूरी लाइन आ जाएगी, ए है साइन थीटा, बी है कॉस थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, क्लियर, अपॉन एज इट इज साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। देखिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू ये सब कुछ है, नीचे भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू ये सब है, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा आपस में कट जाएंगे। अब ऊपर देखते हैं क्या बचता है, साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा वन होता है, वन लिख दिया, प्लस ये एज इट इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सारे के बटे ये बच गया, ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्लियर। अब यहाँ पर रीजन देना है, बिकॉज साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इक्वल टू वन, ये रीजन दे दिया हमने इस वन के नाम का, यहाँ तक का क्लियर। ये देख लीजिए, अगर ये क्लियर है तो कुछ साफ करके बोर्ड को आगे चलाने की कोशिश करेंगे। ये LHS था हमारा, इस प्रकार से ब्रेक कर दिया साइन कोस के अंदर, LCM लिया, LCM लेने के बाद में ये हुआ, उसके बाद इसको इनवर्स को उलट दिया सिंपलीफाई करने के लिए, इस पोर्शन को अलग से ये हुआ, इस जो पार्ट था इसका ये हुआ। अब इसके बाद मल्टीप्लाई आपस में इनकी की, इनकी भी की, ये बन गया हमारे पास, इन दोनों में से LCM लिया, ये आया, ये आने के बाद यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला याद रखने बहुत जरूरी है। इस फॉर्मूले के तहत हमने ए माना साइन को और बी माना कोस को, यहाँ पर सिंपलीफाई किया, ऊपर मल्टीप्लाई में साइन थीटा माइनस कोस थीटा था, नीचे ही मल्टीप्लाई में साइन थीटा माइनस कोस थीटा था, दोनों कैंसिल्ड हो गए हैं, तो ये बच गया हमारे पास। अब साइन के थीटा प्लस कोस के थीटा आइडेंटिटी है, हमने वन लिख दिया, प्लस में ये साइन थीटा इंटू कोस थीटा आइडेंटिटी रह गए हैं, नीचे भी साइन थीटा इंटू कोस थीटा बच चुके हैं, यहाँ तक का आपका हो गया। अब देखिए बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं, ऊपर देखते हैं साइन थीटा इंटू कोस थीटा, नीचे साइन थीटा इंटू कोस थीटा काट देते हैं, जबकि ये नहीं कटे, क्यों, क्योंकि प्लस में वन भी यहाँ पर, अगर ये प्लस में वन नहीं होता फिर तो कट जाते, लेकिन यहाँ कटेंगे नहीं। ज्यादातर स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं और ठीक होते होते सवाल को, क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, हम यहाँ पर करेंगे इनको अलग अलग, वन अपॉन समथिंग ये है और प्लस का साइन के बाद में ये है, इसके बटे भी ये है, इन दोनों को सेपरेट करेंगे अलग अलग, ठीक है। तो इसको मिटा करके यहाँ से स्टार्ट करूँगा ताकि आपके समझ में आ जाएगा, ज़्यादा गोच भी नहीं होगा, है ना, सफाई रहेगी। ये यहाँ से आगे इधर आएंगे, इक्वल टू का साइन वन अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस ये साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखिए अब ये कट जाएगा आपस में वन टाइम्स, ठीक है, इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा, लेकर आना हमें वन प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो वन अपॉन कोस क्या होता है सेक, वन अपॉन साइन कोसेक आ गया और प्लस में वन यहां से आ ही गया, लिख देंगे सेपरेटली इनको, वन अपॉन साइन थीटा इंटू वन अपॉन कोस थीटा प्लस वन, दैट इज वन को पहले लिख देंगे, प्लस में वन अपॉन कोस को लिख देंगे सेक थीटा, क्लियर, इंटू वन अपॉन साइन को कोसेक थीटा, ठीक है, इक्वल टू आरएचएस। चाहे तो यहां पर भी रीजन दे सकते हैं, बिकॉज वन अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा एंड वन अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, ये रीजन यहाँ पर दे सकते हैं, हेंस प्रूव, देख लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है अपने आप में, काफी दफा आया क्वेश्चन के क्वेश्चन पेपर में। यस, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट,
क्वेश्चन इज वन प्लस sec a अपॉन sec a इज इक्वल टू, प्रूव करना इसको, sin square a अपॉन वन माइनस cos a। यस ये क्वेश्चन है। इसमें देखिए LHS लेंगे हम, वन प्लस sec a अपॉन sec a। सिंप्लीफाई करते हैं, फॉर्मूला को डायरेक्ट है नहीं, sec है तो वन अपॉन cos में ब्रेक कर लेंगे इसको, वन प्लस वन अपॉन cos a अपॉन वन अपॉन cos a विल बी इक्वल टू, यहाँ करते हैं, यहाँ वन प्लस वन अपॉन cos a है ना, तो cos a LCM रहेगा ऊपर का, तो cos a प्लस वन हो जाएगा सारे के बटे वन अपॉन cos a इक्वल टू cos a प्लस वन अपॉन cos a मल्टीप्लाई बाई उलट जाएगा, cos a अपॉन वन हो जाएगा कैंसिल्ड, दैट इज वन प्लस cos a। cos a प्लस वन लिख दो चाहे cos a प्लस वन, वन को पहले लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, चलो हम लिख दिया था हालांकि फिर भी किसी को दिक्कत ना होनी चाहिए क्यों लिख दिया ये, तो ये cos a प्लस वन हो गया है। अब यहाँ से हमें ये प्रूव करना sin square a अपॉन समथिंग, ये चाहें तो हम इसको आगे चला करके इसी क्वेश्चन इसी पार्ट में से ये लेकर के आ सकते हैं, या दूसरा एक सिंपल तरीका बताता हूँ, यहाँ तक आपका LHS हो गया, नाउ RHS को उठा लीजिए, जैसा कि आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि LHS एंड RHS दोनों को ही आपस में उठा करके प्रूव कर दीजिए एक दूसरे की, तो उसी तरीके से हम निकालने की कोशिश करेंगे, वरना हम इसको आगे चला करके और इसके अपॉन वन करके यहीं पर फॉर्मूला लगा करके और इसी को इसके इक्वल प्रूव भी कर सकते हैं। अनेक तरीके हैं करने के, जो आपको इजीएस्ट लगे उसको अपना पकड़ लीजिए। तो हम आपकी बुक के आधार पर चलेंगे, टेंथ क्लास के आधार पर ही, कि RHS उठा लेंगे साइंस के रे अपॉन वन माइनस कोस ए। अब देखिए साइंस के ए फॉर्मूला है वन माइनस कोस स्केयर ए अपॉन वन माइनस कोस ए, लिख देंगे यहाँ पर, बिकॉज साइन स्केयर ए इक्वल टू वन माइनस कोस स्केयर ए, वही फॉर्मूला है, साइन कोस इधर आएगा तो साइन स्केयर ए प्लस कोस स्केयर इक्वल टू वन, उसी फॉर्मूले का हमने प्रयोग यहाँ पर किया है, विल बी इक्वल टू ए माइनस बी स्केयर है, तो वन है एक ही जगह, तो वन को वन का स्केयर मान सकते हैं, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर हो जाएगा, मीन्स ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज वन माइनस कोस ए इंटू वन प्लस कोस ए, सेपरेट कर दिया इसको, अलग अलग तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, अपॉन है वन माइनस कोस ए। अब वन माइनस कोस ए ऊपर यहाँ इसके मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर भी है अलग से, दोनों कट जाएंगे आपस में, क्या बचेगा वन प्लस कोस ए। देखिए यहाँ पर बच गया वन प्लस कोस ए, क्या आया RHS, और LHS भी क्या आया था वन प्लस कोस ए, दोनों इक्वल आ गए ना, लिखेंगे हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, ये दोनों की वैल्यू बराबर लेकर आ गए हम, LHS को सिंप्लीफाई किया वन प्लस कोस ए बन गया, RHS को लेकर सिंप्लीफाई किया इसका भी वन प्लस कोस ए हो गया, मीन्स लिखेंगे हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ सिंप्लीफाइंग दिस क्वेश्चन, चेक इट। यस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फिफ्थ का फिफ्थ पार्ट हमने आपके होमवर्क के लिए छोड़ दिया है, अगर आप सिंप्लीफाई कर सकते हो तो कीजिए, ऐसे ही है, अदरवाइज आप उसको कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम के जरिए हमें बताइए, हम आपको उसको भी सॉल्व करके भेज देंगे आपके पास होमवर्क के लिए हो। अब सिक्स्थ पार्ट करते हैं, देखिए जरा, वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए होल सारे का सारा स्केयर रूट है, होल स्केयर रूट इक्वल टू प्रूव करना है इसके, हमें LHS ले लेंगे हम सॉल्यूशन, वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए, ये तो इसमें क्या करेंगे इसको रेशनलाइज कर देंगे हम, और तो कोई फॉर्मूला हमारे पास है नहीं, रेशनलाइज कैसे करेंगे, इक्वल टू साइन लगाएंगे, वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए, इसको जो अपना डिनोमिनेटर है इसके जो बीच का साइन है माइनस का, इसको प्लस का साइन बना करके इस साइन को चेंज करते हैं हमेशा, और ऊपर नीचे गुणा कर देंगे इसको, ठीक है,
वन प्लस साइन ए अपॉन वन प्लस साइन ए, सारे का स्क्वायर रूट। क्लियर? अब देखिए ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर, वन प्लस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज वन का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, और सारे का है स्क्वायर रूट। क्लियर? इक्वल टू ए प्लस बी, इसको एज इट इज रख लीजिए थोड़ी देर के लिए, वन प्लस साइन ए होल स्केयर है अपॉन है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, क्या था तो ये आएगा वन माइनस साइन स्केयर। क्लियर? ये आ जाएगा। अब वन माइनस साइन स्केयर क्या होता है, कॉस स्केयर थीटा लिख दीजिए, कॉस स्केयर थीटा मीन्स ए है यहाँ पर, सारे का स्केयर रूट। रीजन दे देंगे बिकॉज 1 माइनस साइन स्केयर ए इक्वल टू कॉस स्केयर ए, भाई साइन स्केयर उधर जाएगा तो कॉस स्केयर प्लस साइन स्केयर इक्वल टू 1 हो जाता है थीटा के साथ में, इक्वल टू। अब देखिए 1 प्लस साइन ए इसका स्केयर है, कॉस ए इसका भी स्केयर है, तो स्केयर स्केयर रूट कट जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए रह जाएगा। दिखाना चाहो तो ऐसे दिखा सकते हैं, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, सारे का स्केयर हो गया, स्केयर रूट है कट जाएगा, स्केयर स्केयर रूट विल बी इक्वल टू 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, ऊपर हमें लेकर आना है आरएचएस के अंदर सेक ए प्लस टेन ए, तो 1 अपॉन कोस ए करेंगे सेक ए आ जाएगा प्लस में, साइन ए अपॉन कोस ए करेंगे अलग से तो टेन ए आ जाएगा, विल बी इक्वल टू 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए विल बी इक्वल टू 1 अपॉन कोस ए विच sec a प्लस साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan, tan a इक्वल टू क्या आया आरएचएस, हेंस प्रूव्ड, चेक इट। यस, फिफ्थ क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट, सेवंथ पार्ट, साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा पावर थ्री अब की बार आई है, इसी प्लस फॉर्म में टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इट शुड बी इक्वल टू tan थीटा, ये अनुप्रूव करना है। देखिए एलएचएस, ठीक है, ये होगा एलएचएस हमारा। अब साइन थीटा और साइन क्यूब थीटा में साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, कॉस क्यूब में से कॉस कॉमन आएगा, ले लीजिए ऊपर से साइन थीटा कॉमन आ गया, यहां आएगा वन माइनस टू साइन स्केयर थीटा अपॉन, यहां से कॉस थीटा इज कॉमन, रिमेनिंग है टू कोस स्केयर थीटा माइनस वन। क्लियर? अब देखिए या तो न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में किसी एक के साथ में छेड़खानी करनी है और दूसरे के इक्वल लेकर के आना है, उनको काट देंगे, साइन अपॉन कोस हमारे पास आ गया है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा तो टेन थीटा, यही प्रोग्रामिस यही बचेगा, बाकी ये सब अपने आप में कटना है। कैसे कटेगा देखते हैं जरा, बहुत आसान है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, इसको टेन थीटा लिख दीजिए या तो, या अलग से नहीं लिखना चाहो तो साइन थीटा साथ में चलाते जाइए, वन वन के स्थान पर आप लिख सकते हैं साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा, इस वन के स्थान पर साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा लिख सकते हैं, और आगे सिंप्लीफाई करेंगे फिर इसको भी आपने छेड़ना पड़ेगा वन को भी, इससे बेटर है वन को वन रहने दीजिए, इस साइन स्केयर के ऊपर कुछ ऐसा लिखिए जिससे कोस स्केयर बन जाए, कैसे, वन माइनस टू इंटू साइन स्केयर को ले सकते हैं आप वन माइनस कोस स्केयर थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू टू कोस स्केयर थीटा माइनस वन, यहां पर रीजन दे देंगे बिकॉज दिस साइन स्केयर थीटा इक्वल टू वन माइनस कॉस स्केयर थीटा, आइडेंटिटी अपने पास है साइन स्केयर इधर आएगा प्लस का कॉस स्केयर थीटा इक्वल टू वन होता है, तो हमारे पास साइन स्केयर है ऑलरेडी ये रहा, तो टू के मल्टीप्लाई में है तो टू के मल्टीप्लाई में कर दिया, क्या साइन स्केयर किसके इक्वल होता है इसके इक्वल में पुट कर दिया, इसको एक्सपेंड कर देंगे हम, विल बी इक्वल टू साइन थीटा इंटू वन माइनस टू से मल्टीप्लाई कर टू वन जो टू, माइनस से माइनस प्लस,
टू से इसको मल्टीप्लाई टू कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आने लग गया होगा कुछ कुछ कि क्या होने वाला है। अब कॉस थीटा इंटू टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, क्लियर, इक्वल टू, देखिए साइन थीटा इंटू वन माइनस टू दैट इज माइनस वन प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन कॉस थीटा इंटू टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये हो गया। नीचे है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ऊपर भी है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, चाहे तो इसको पहले लिख लीजिए माइनस वन को बाद में लिख दीजिए ब्रैकेट के अंदर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, डायरेक्ट यहाँ से काट सकते हैं क्योंकि स्पष्ट है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन कट गए, क्या बच गए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड इट इज इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूफ, चेक इट। यस, अब हम करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, टेंथ पार्ट, पार्ट नंबर एट्थ एंड नाइन्थ आपके लिए होमवर्क के लिए हैं। तो हमने तीन क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे दिए हैं, एक तो हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, फिफ्थ का फिफ्थ पार्ट, एट्थ पार्ट और नाइन्थ पार्ट, तीनों ही हमने सिंपल सिंपल है आपको होमवर्क के लिए दिए हैं, आप कर लेंगे इजीली। फिर भी कहीं दिक्कत आए तो हमें बताना, आप टेलीग्राम के जरिए या कमेंट के जरिए हम आपको उनका सोल्यूशन भी अवेलेबल करा देंगे। देखते हैं जरा, वन प्लस टेन स्केयर ए अपॉन वन प्लस कॉट स्केयर ए इक्वल टू प्रूव करना इसके और इसको इसके, कि ये तीनों आपस में आइडेंटिटीज बराबर हैं, सेम है, ये प्रूव करना हमें कैसे करें, देखिए घबराने की आवश्यकता नहीं, इस क्वेश्चन में तीन हो गए तो क्या करें, बहुत सिंपल है, ये उठाएंगे एल एच एस, ये सीधा उठा लीजिए इसको, एल एच एस लिखने की भी आवश्यकता नहीं, इसकी जो तीन है तो इसको एल एच एस, इसको आर एच एस, इसको मिडिल टर्म लिखेंगे या तो, या सीधा उठाएंगे एक बार इसको उठाएंगे, वन प्लस टेन स्केयर ए अपॉन वन प्लस कॉट स्केयर ए, बहुत आसान आसान तरीके हैं वो बताऊंगा इसके लिए आपको, वन प्लस टेन स्केयर ए क्या होता है, sec स्केयर ए माइनस टेन स्केयर इक्वल टू वन होता है, दैट इज sec स्केयर इक्वल टू वन प्लस टेन स्केयर ए, तो वन प्लस टेन स्केयर क्या हो जाएगा sec स्केयर ए अपॉन वन प्लस कॉट स्केयर ए, हमें पता है कॉसिक स्केयर माइनस कॉट स्केयर इक्वल टू वन, देन कॉसिक स्केयर हो जाएगा हमारा कॉसिक स्केयर माइनस कॉट स्केयर इक्वल टू वन, तो ये उधर चला जाएगा वन के प्लस में आएगा, तो वन प्लस कॉट स्केयर हो जाएगा कॉसिक स्केयर, यहां पर रीजन आप दे सकते हैं बिकॉज वन प्लस टेन स्केयर ए इक्वल टू sec स्केयर ए एंड वन प्लस cot स्केयर ए इक्वल टू cosec स्केयर ए, ये रीजन दे दें, अच्छी बात है, अच्छा लगता है। अब देखिए sec और cosec में कोई फॉर्मूला हमारे पास डायरेक्ट नहीं बन रहा है, तो हम क्या करेंगे sec को 1 बाई cos में कन्वर्ट करेंगे और cosec को 1 बाई sin में, इक्वल टू यहाँ पर आएगा 1 बाई sec यानी कि cos, स्केयर है तो स्केयर लगा देंगे सारे के बटे cosec दैट इज 1 अपॉन sin, स्केयर है तो स्केयर लगा देंगे इक्वल टू 1 अपॉन cos स्केयर a इंटू ये ऊपर आ जाएगा sin स्केयर a अपॉन है 1 दैट इज ये हो जाएगा sin स्केयर a अपॉन cos स्केयर a अपॉन कॉस स्केयर ए, ये आया हमारे पास, ठीक है, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन थीटा, लिख देंगे टेन स्केयर ए, नंबर वन डाल दीजिए इसको, क्लियर, टेन स्केयर आ गया। नाउ इसको उठाएंगे यहां पर लिखते हैं, चलो नाउ इसको उठाएं मिडिल टर्म को, वन माइनस टेन ए अपॉन वन माइनस कॉट ए हॉल स्केयर, देखिए जरा वन माइनस टेन ए अपॉन वन माइनस कॉट ए, कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, क्या करेंगे यहाँ पर टेन और कॉट को साइन कोस में ब्रेक कर देंगे, वन माइनस टेन को लिखेंगे साइन ए अपॉन कोस ए
सारे के बटे वन माइनस कॉट को लिखेंगे कॉस ए अपॉन साइन ए होल स्क्वायर, क्लियर, विल बी इक्वल टू, यहां पर कॉस ए एलसीएम रहेगा न्यूमरेटर में से, कॉस ए कॉस ए वन जा कॉस ए माइनस साइन ए सारे के कौन, यहाँ पर साइन ए रहेगा एलसीएम इसका, साइन ए वन जा साइन ए माइनस कॉस ए होल्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए लिखते हैं, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए मल्टीप्लाई उलट जाएगा साइन ए ऊपर आ जाएगा, साइन ए अपॉन ये साइन ए माइनस कॉस ए होल्स स्क्वायर। अब देखिए जरा कॉस ए माइनस साइन ए नीचे है साइन ए माइनस कॉस ए, ये सारा इसकी मल्टीप्लाई में है, ये सारा इसकी मल्टीप्लाई में है, तो कट सकते हैं आपस में ये साइन कॉस ए माइनस साइन ए से साइन ए माइनस कॉस ए कट सकते हैं, साइन का फर्क है निशान का फर्क है, यहाँ पर साइन ए माइनस कॉस ए है, यहाँ पर कॉस ए माइनस साइन ए है, तो इससे ये काट दिया कितनी बार जाएगा माइनस वन टाइम्स कट जाएगा, क्लियर, वन टाइम कटता अगर सेम साइन होते सेम चीजें होती, ये लेकिन साइन प्लस माइनस आगे पीछे है इसलिए माइनस वन टाइम कट जाएगा। देखिए जरा माइनस के साइन ए अपॉन कॉस ए और स्केयर ये बचा, माइनस का स्केयर क्या होगा प्लस, साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन, तो साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए स्केयर स्केयर लग जाएगा, माइनस क्या होता है हमने प्लस हो चुका है स्केयर, तो लिखेंगे इक्वल टू आया हमारा टेन स्केयर ए, ये आई नंबर टू। देयरफॉर देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दिस इक्वल टू दिस एंड सेकंड है दिस इक्वल टू दिस, दोनों ही टेन स्केयर है टेन स्केयर इक्वल है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, ये सारी बातें यहां लिख देंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस हेंस प्रूव, वेरी सिंपल, ये उठाया इसको ये किया, ये उठाया इसको यहां लेकर आए, दोनों इक्वल आ गए, तो फ्रॉम फर्स्ट इसको फर्स्ट हमने एज्यूम किया, सेकंड एज्यूम किया था, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये लिख देंगे, जगह नहीं है मैंने यहां पर इशारा कर दिया, ठीक है। इस तरह से आपका 8.4 एक्सरसाइज का लगभग सभी क्वेश्चन आप कंप्लीट कर चुके हो, तीन क्वेश्चन हमने दिए आपको होमवर्क के लिए, ये तीनों ही आपने करने हैं साथ में, इनके नहीं आते हैं टेलीग्राम या फिर कमेंट बॉक्स के जरिए आप हमें बताइए, हम आपको अवेलेबल करा देंगे, जहाँ तक मुझे लगता है आपको अवश्य सॉल्व कर लेंगे। ओके, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, टिल देन थैंक यू।